शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रूबी, थिंक इट। शंकर के सवाल का जवाब मिल जाएगा। मिस रूबी को ये क्या हुआ? वही जो इस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद पुलिस और मेहमानों का होगा। मैंने इसमें एक ऐसा केमिकल मिलाया है जिसे पीकर हर आदमी इसी तरह बुद्ध बने थोड़ी देर के लिए खड़ा रहेगा और उसी बीच में आप हीरो को हीरो के चोर ये काम करते हो? नीच कमीने बोला, यह हीरो की चोरी का नक्शा समझा रहे हो और मुझे बताए शहर से बाहर गए हो। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ अभी तो हरिद्वार से नहीं लौटी। अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें कैंसर दिया है। तुम्हारी यही सजा है रंजीत, कुत्ते की मौत मरोगे। बोला तुम बिल्कुल भोले हो। जब सब कुछ तुम जान ही गए हो तो सुनो, ना तो मेरी कोई माँ है और ना ही मुझे कैंसर है। ये तो पुलिस को धोखा देने के लिए अपनी जगह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूं। अब ये ढूंढ नहीं चलेगा, मैं पुलिस को सब कुछ बतला दूंगा। बोला ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें सहारा दिया, सड़क से उठाकर आलिशान महल में बिठाया, ऐश आराम दिए, उठने बैठने की तमीज सिखाई, एक गवार को इंसान बनाया। इंसान? अगर तेरी नजरों में यही इंसान है तो मुझे अपने उस गवारपन पे नाज है। अरे तेरे जैसे इंसान से तो वो जानवर अच्छे हैं। पिस्तौल दिखा के किसे डराता है कालिए? मुझे? अरे सच्चाई को रोकने के लिए कई बार गोलियां चली पर सच्चाई इस दुनिया से कभी नहीं उठी और न उठेगी। हिम्मत है तो चला गोली। बेवकूफ, अब तुम मेरे कब्जे में हो, तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। कभी नहीं, मां कसम अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तू जैसे पापी को पुलिस के हवाले करके दम लूंगा। तो तुम्हारी बेलू का क्या होगा? बेलू? हाँ बेलू, शायद तुम ये नहीं जानते इस वक्त वो मेरे पास। नहीं नहीं ये झूठ है, मेरी बिल्लू तो गांव में है। गांव में बाढ़ आने से वो शहर चली आई थी तुम्हारी तलाश में, लेकिन मैं उसे मिल गया। वो मुझे भोला समझती है। ये गलत है, मेरी बिल्लू ऐसा धोखा कभी नहीं खा सकती। लोग जब तुम्हें रंजीत समझ सकते हैं तो क्या बिल्लू मुझे भोला नहीं समझ सकती? फोटोग्राफ आंखें खोल कर देखो, बेलू के साथ कौन है, तुम या मैं? हे भगवान, मेरे बेलू को भाग जगा दे, उसे अच्छा घर दे, अच्छा वर दे, और अगर मेरे अंगना बारात आई तो ये बोला बाजे वाला ऐसी धुन बजाएगा कि स्वर्ग की अप्सराएं भी ताल भूल जाएंगी। मां कसम। बोला सुन। हाँ तो पंडित जी, क्या कहती है मेरी बहन की कुंडली? तेरी बहन की शादी बड़े धूमधाम से होगी। सच? हाँ, अरे उसकी कुंडली में सुखी सुख लिखा है। सच? हाँ, और आगे पीछे मोटरी मोटर घूमेंगी। ओ राम कर। ए नाना, मुझे भी एक आम देना। तू जानती तो है मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती। ऊपर नहीं चढ़ सकती तो नीचे खड़ी खड़ी तमाशा देख। बेलू, 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 क्या हुआ? लंगड़ी आंख तोड़ने आई थी, आम की तरह लड़क गई। जवान सवाल को बोल, मैं ना तेरी तो दोनों टांगे सलामत है, फिर भी तेरे रिश्ते 10 बार वापस जा चुके हैं। अब तो मैंने ही पसंद नहीं किए थे, पर इसे इसे तो सभी ना पसंद करते हैं। भैया रहने दो। बिल्लू, मैं अभी जोशी जी से मिलकर आ रहा हूँ। जानती हूँ उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा है कि तेरी शादी ऐसे घर में होगी जहाँ सुखी सुख होगा, और तेरी बारात बैलगाड़ी में नहीं मोटर गाड़ी में आएगी। माँ कसम तत्तरा भैया। अरे एक मिनट में, ये लो बेलो और जा, जल्दी से जाके तैयार हो जा, देखने वाले आते ही होंगे भैया। अरे जा ना, चले। भोला और बेलू को मैंने अपना पेट काट कर पाला है, खुद नहीं खाया इनको खिलाया है, ताकि लोग ये ना कहें सौतेली माँ है बच्चों पर जुल्म किया। जब ये दोनों नन्हे से थे तो इनके पिता सर्वास हो गए। सुनिए बारात में छोटी सी लगेगा, ज्यादा खर्चा करने से क्या फायदा। प्रणाम गंगा प्रसाद जी। जीते रहो बेटा, मैंने सोचा आज ही चल के तुम्हारी बहन को देख लूं, आपने बहुत अच्छा किया। भोला बेटे जाके जरा अंदर से बेलू को लिया है। जा बेटे। अरे बेलू, आज तेरे ब्याह के लिए ये लोग तुझे देखने आए हैं। जमीन से तो कुछ आता ही नहीं। अरे कुछ नहीं, तू शर्मा रही है। चल ना भैया, माँ ने उन्हें मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो खुद देख लेंगे, सारे गांव में मेरे बेलू से ज्यादा सुंदर है कोई। चल पगली, चल। ये क्या, ये तो अपाहिज है। पाँव में जरा सी खराबी है, चार पैसे आएंगे तो इलाज करा दूंगा, ठीक हो जाएगी। तब तक क्या मैं लंगड़ी बहू को अपने घर में रखूं? ओहो, तो आप ले जाइए ना लड़की को, इलाज करवा लीजिएगा, वो ठीक हो जाएगी। भला इसमें इतनी अर्जेंट की क्या बात है? बेशक है, मेरे लड़के के लिए चौधरी तक के रिश्ते आए, मैंने सोचा किसी गरीब की लड़की लाऊं। बिरादरी वाले जब देखेंगे इसको तो थूकेंगे मेरे मुंह पर। चलो बेटे। नहीं नहीं गंगा प्रसाद जी, नहीं, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, धीरे से काम लीजिए। मेरी बेलू भोली है, नेक है, बहुत से गुण है उसमें, सारे घर भर का काम जानती है। ऐसी बहू आसपास के किसी भी गांव में आपको नहीं मिलेगी। ना मिले तो ना सही, मैं तो बगैर दहेज के ले जा रहा था इसे। अब इसके साथ 10,000 रुपए का दहेज दोगे तो भी कोई ब्याहेगा इसे, वरना सारी जिंदगी कुंवारी रहेगी। चलो बेटे। 10,000? हाँ हाँ 10,000, कमा के ला तो पता चले आटे दाल का भाव। मेरे सीने पर तो तुम दोनों मूंग दलते हो, और तू अभागिन, पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। अब भी कौन सी कमी रह गई मरने में, सारा दिन तो कोसती रहती हो। भैया मेरा तो नसीब भी ऐसा है, तुम क्यों कुछ कहते हो? अरे ये क्या कहेगा, तूती बजा कर चार पैसे क्या कमाने लगा है तो अपने आप को खलीफा समझता है? ऐसे ही गुमान है तो ला 10,000 रुपए, कल लंगड़ी की शादी जरूर करूंगा, शहर जाऊंगा। 10,000 क्या, 10,00,000 रुपया कमा के लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और अपनी बेलू की शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि सारा गांव देखता रह जाएगा, और दूल्हा, दूल्हा घोड़े पर नहीं मोटर पर बैठ कर आएगा, माँ कसम। हाँ। और तू आगे आगे तूती बजाएगा, चल जाके लकड़ी काट। और तू क्या खड़ी खड़ी तू कर रही है, जाके ये कपड़े उतार, चूल्हा जला, काम चोर कहेगी। इसमें पराठे और अचार रख दिया है, रास्ते में जरूर खा लेना। अच्छा, तो मेरा कितना ख्याल रखती है बेलू। जब मैं वापस लौटूंगा ना, तेरे नाजुक से हाथ जो घर का काम कर करके खुरदुरे हो गए हैं, सुहाग की मेहंदी से चमक उठेंगे। भैया फिर वही बात। क्यों, तुझे अपने भैया पर भरोसा नहीं है? मोती सुन, तू भी बेलू का ख्याल रखना, अगर जरा सी भी गड़बड़ की तो देखना। हाँ। माँ मुझे आशीर्वाद, माँ मुझे आशीर्वाद दो, जिस काम से मैं जा रहा हूँ उसे पूरा करके वापस। और अगर काम पूरा ना हो तो घर भी वापस लौट कर आने की जरूरत नहीं है, मैं समझूंगी भोला मर गया। माँ ये कैसी बातें कर रही हो तुम, भैया पर कहीं जा रहे हो तुम? तू चुप रह, सुन भोला, खर्चा पानी भेजते रहना, नहीं तो इस लंगड़ी को किसी लंगड़े लूले के गले में बांध कर मैं हरिद्वार चली जाऊंगी, ये मत भूलना।
अरे भोला, कहा गंगापुर जाते कहा? चाचा शहर जा रहे हो पैसे कमाने। फिर गांव वापस लौटिए कि नहीं? अरे जरूर। और तब? मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। अपने पसीने को मोती कर दूंगा, मोतियों से बहना की मांग भर दूंगा, आएगी बारात देखेगी सारी दुनिया, होंगे लाखों में एक दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। Thank you.
फिर वही वारदात, फिर उसी तरह की चोरी। सर मेरे ख्याल में ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता, इसमें जरूर किसी इंटरनेशनल गैंग का हाथ है। एक्सक्यूज मी सर, इस केस में किसी इंटरनेशनल गैंग का नहीं, सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है और वो है ये। सूरत तो जानी पहचानी लगती है, कौन है ये? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार, वो तो बहुत अमीर आदमी है। गरीबी से ज्यादा अमीर इंसान को चोर बनाती है सर। गरीब कानून से डरता है लेकिन अमीर कानून को खिलौना समझता है। मगर इस बात का क्या सबूत कि चोर रंजीत कुमार ही है? जिस शहर में हीरो की चोरी हुई, हवाई अड्डों और होटलों की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि चोरी से पहले या चोरी के बाद रंजीत कुमार उस शहर में अपने बिजनेस के बहाने मौजूद था। हाँ, मगर शक के बिना हम इतने बड़े आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते इंस्पेक्टर प्रधान। शक को सबूत में बदलने के लिए मैं हाजिर हूँ सर। रंजीत कुमार की दो कमजोरियां, एक कीमती हीरे और दूसरी खूबसूरत लड़की। सर अगर सीआईडी ब्रांच से मुझे खूबसूरत और होशियार लड़की की मदद मिल जाए तो रंजीत कुमार को पकड़ने में आसानी होगी। गुड। मिस वेरा, मिस लीना को बुलाओ। यस सर। हाँ तो इंस्पेक्टर प्रधान, क्या प्लान है तुम्हारा? सीआईडी ऑफिसर मिस लीना का नाम रीटा होगा और वो अफ्रीका के किसी हीरो की खान की मालकिन होगी। उसकी मुलाकात रंजीत कुमार से कराई जाएगी ताकि रंजीत कुमार अपनी कमजोरियों के शिकंजे में आकर खुद गिरफ्तार हो जाए। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, इंस्पेक्टर प्रधान ने हीरो वाले केस के बारे में कुछ सोचा है। इसका प्लान है कि तुम हीरो की खान की मालकिन बनकर रंजीत कुमार से मिलो और उसके साथ कुछ ऐसी दोस्ती पैदा करो तो वो एक ना एक दिन अपनी चोरी की आदत से मजबूर हो जाए और हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकते। और इस सारे प्लान को सच्चाई का रंग चढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर जगदीश आपके अंकल और मिस मेरा आपकी आंटी बनकर आपके साथ रहे। लेकिन रंजीत कुमार से हम सबकी मुलाकात कैसे होगी? एक आलिशान मकान किराए पर लिया जाएगा और एक शानदार पार्टी दी जाएगी जहां पर शहर के बहुत सारे रईसों के साथ साथ मिस्टर रंजीत कुमार को भी बुलाया जाएगा। इंस्पेक्टर प्रधान, मेरे ख्याल में रंजीत कुमार काफी होशियार आदमी है, हो सकता है हम में से किसी को पहचान जाए। That's a point. तो फिर एक ऐसी पार्टी का इंतजाम किया जाएगा जिसमें वो हमें ना पहचान पाए। ठीक है, तुम लोग फौरन प्लान के मुताबिक काम शुरू कर दो। अरे हाँ बैंड मास्टर, अरे काय को पैसा बचाता रे? देख रोटी गले में जाम हो गया ला, चाय के साथ खाना। नहीं नहीं, ये हिचकी है, हिचकी याद की, हिचकी गांव में बेलू मुझे याद कर रही है, पहुंच की चिट्ठी नहीं लिखी ना। कौन से गांव से आए रे? भोजपुर। भोजपुर? ओ जिला रायबरेली। अरे अपना मामा है ना, उसकी सास की छोकरी का शादी भी अपन उधर ही बनाया। बंबई में क्या करने को आए तू? आया तो पैसे कमाने था पर आते ही चोरी हो गई। चोरी हो गई? क्या? इज्जत। इज्जत? पगड़ी आदमी की इज्जत होती है ना, कल शाम चोरी हो गई। मास्टर ये तो पहली चोरी है, अपन आज से 10 साल पहले बंबई में आया था माल बनाने को, पर इधर का पब्लिक ने अपन को ऐसा बनाया कि खाली 4 कप और ये केतली रह गया। ले पकड़ चाय। पैसे? अरे काय को पैसे का बात करते रहे हैं? तेरे से पैसा मैंने मांगा, जब तेरे पास पैसा होएगा ना तो तू अपन को एक चेक दे दे रहा है। अपन ने आज तक साला चेक नहीं देखा यार। हाँ रोटी खाओ रोटी। हाँ? असली घी में बेलू ने बनाई है। अच्छा, अरे इधर तो असली घी देखने को नहीं मिलता, इधर तो दूध नकली, घी नकली, आदमी नकली, औरत नकली, सब नकली। बंद होगी क्या इसकी? अरे आता ना वाला खैर। अच्छा भाई अपन चलता है, अपना धंधे का टाइम हो गया। अच्छा और सुन, अगर अपने को मिलने का हो ना तो वो कांग्रेस ऑफिसर ने, कांग्रेस ऑफिसर
उसके बाजू में सोता हूँ मैं। हैं? अच्छा, वो चाय मास्टर। हाँ? सुनो, तुम बहुत अच्छे हो। चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। रंजीत कुमार है ना, उसके लिए रास्ता ब्लॉक कर दो। आइए। हाँ, सड़क पार कीजिए। गाड़ी नहीं लाया आप? हाँ, गाड़ी नहीं लाया आप? गाड़ी यहाँ कैसे आती? गाड़ी तो मैं स्टेशन पर छोड़ा। अच्छा अच्छा, जाइए। अच्छा, गुड इवनिंग सर। ऊपर जाइए। ऊपर जाऊं? हाँ हाँ, सब लोग आ चुके हैं, सिर्फ आप ही की कमी थी। मेरी कमी थी? हाँ। किस लिए? बाजा बजाने के लिए। बाजा बजाने के लिए। अभी जाते हैं। आ जाओ। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, 100 साल की होगी। माफ करना बाबा, छुट्टा नहीं है। अरे इधर तो आइए, बताओ क्या खर्च हुआ है इन कपड़ों पर? इन कपड़ों पर खर्च तो दादाजी ने किया था, लेकिन माँ बतला रही थी कि उस जमाने में चांदी के पूरे 2 रुपए खर्च हुए थे। 2 रुपए? हाँ। गौरे शंकर, जय हो महाराज की, जय हो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। महाराज आप तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी नहीं, आनंद स्वामी। लेकिन महाराज मंदिर छोड़ के यहाँ? ये भी तो एक मंदिर है, वो भगवान का, ये धनवान का। आओ, तुम्हें मंदिर के दूसरे पुजारियों के दर्शन करवाऊं। हाँ करवाइए करवाइए। रंजीत बाबू का बोला बोले शंकर। सबने मिलकर स्कीम बनाई, आइसक्रीम बनाई है। अरे छोड़ो यार, कुछ दिनों में वो लोग शहर में दंगा करने वाले हैं, तो 3 रोज के लिए शहर बंद रहेगा। मौका अच्छा है, अनाज और घास लेट को गोदाम में बंद कर लें। दंगे के दिनों में चौगने मोल बिकेगा, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिल जाओ। हाँ। हाँ। नहीं, 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 ये तो पाप है। अरे पापी तो दंगा करने वाले हैं। ये फालतू का शरबत है ना? सोमरस। शराब? हाँ। छोड़ो भी एक्टिंग, गड़बड़ डाम। माँ कसम बहुत बुरी थी। हाय डार्लिंग। भोला। हेलो डार्लिंग। भोला। अरे 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 भाई जी, हाथ तो छोड़िए, लोग क्या कहेंगे? ओहो, अब आया लोगों का ख्याल? उस वक्त नहीं आया था जब मेरी बाहों में बाहें और आंखों में आंखें डालकर प्यार के दावे क्या करते थे? दावे? नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे कोई प्यार के दावे नहीं किए, ना ही मैंने आपकी आंखों में आंखें डाली है। अरे मेरी आंखें कोई सुरमा है जो आपकी आंखों में डाल दूं? हाँ। मजाक मत करो, धोखा दे के भोले बनते हो? बनता नहीं, इसलिए तो इस परिस्थान में फंस गया हूँ। फंस तो मैं गई थी तुम्हारी मीठी मीठी बातों में, जो तुम्हें अपने अरमानों के साथ खेलने दिया। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने झूठे मक्कार। ज्यादा पटर पटर मत करो, जब मुझे गुस्सा आता है माँ कसम तो पकड़ चुटिया बाहर निकालो। अरे भाई जी, भाई जी मेरी बात बात। मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया जी। माँ कसम वो तो अपने आप मेरे हाथ में आ गई थी। हाँ सब कुछ समझ गया। किसी से कहना मत जी, मैं तो यूं ही आ गया। इधर आओ। हाँ। तुमने किसी से कहा तो नहीं कि तुम कौन हो? अजी मैं तो कहते कहते थक गया, लेकिन मेरे कोई सुनता ही नहीं। ये लोग सब समझते हैं कि मैं रंजीत कुमार हूँ। आखिर ये गधा रंजीत कुमार है कौन? तुम? मैं?
हाँ, भलाई इसी में है कि चुपचाप बने रंजीत कुमार और देखते जाओ तमाशा। कहीं सच बोलकर खुद न बन जाना तमाशा। मगर मगर आप तो जानते हैं ना कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। जानता हूं, ये झूठ का बाजार है भोलेनाथ। यहाँ की हर चीज झूठी है, झूठे लोग, झूठे चेहरे, झूठी परियां। नमस्कार। नमस्ते। ये परी कौन है जी? आम्रपाली। आम्रपाली? वो पिचकर वाली? वहाँ के शेर तो आपके इतने करीब आ जाते हैं कि आप उन्हें छू नहीं सकते। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप? क्षमा कीजिएगा, पिचकर में अम्रपाली को देखा था, बिल्कुल आप जैसी लगती थी, इसलिए देख रहा था आप असली हैं या नकली। आपसे मिलिए, ये है शहर के मशहूर आदमी मिस्टर रंजीत कुमार, और आप मिस रीता देवी, आप इनके अंकल और आंटी। अफ्रीका में बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, हीरो का। अच्छा, तारीफ तो बड़ी सुनी थी आपकी। मेरी तारीफ किसने की? ये बाजे बजाने के हैं या सिर्फ दिखाने के लिए? ना ये बजाने के हैं ना दिखाने के। अरे ये तो पेट की आग बुझाने के लिए है। अजी ये तो सिर्फ इनका ट्रेडमार्क है, असली बाजा तो इनका बिजनेस के मैदान में बजता है। अरे बिशन पहलवान के मैदान की क्या बात करते हैं, हमारे दादा ने तो पानीपत के मैदान में बजाया था बाजा, माँ कसम। दादा का बाजा तो बच चुका, अब पोता कुछ बजा के सुनाए तो जाने। अजी बोलिए, क्या सुनिएगा? हाँ, पहाड़ी बीम पलासी दादरा, बोलिए बोलिए बोलिए। सारे गामा ही बजाते तो काफी होगा। बजा दू? बजा दू। वाह 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 वाह, क्या बजाया है आपने, अच्छा लगा जी। मालूम होता है पोते ने तोते की तरह एक पीस रख लिया है, वरना ये चेहरा और इस पे म्यूजिक का चेहरा। अरे 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 अरे, चेहरे पे मत जाइए भाई जी, दिल देखिए दिल, दुनिया चेहरे से अक्सर धोखा खा जाती है। हाँ क्यों रीता जी? जी जी। दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे ऐसे नहीं दुनिया वाले, सबने ही अपने चेहरों के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले, मीठी होंठों पे बात दिल में रहती है खास, दिल का होंठों से नाता ही टूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, अपना रंग
दिखे औरों का ढंग, अपनेपन का चलन हमसे छूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। तुम्हारी तुम कुछ भी समझो, जो हम हैं वो हम ही जाने। रंग रूप देखे तो देखे जमाना, हम प्यार के हैं दीवाने। पूजे धन को संसार, हमें मन से है प्यार, धन किसी बात पर हमसे रूठा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा है। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। और बचाने दोनों में एक्सपर्ट है। आपकी कृपा से हम तो हर बात में स्पष्ट है, कलाकार है कलाकार। अच्छा तो जरा बताइए ना, और कौन कौन सी कला जानती है? रंजीत एक अच्छा शातिर मालूम होता है। मैंने विषय अच्छी दी। वाह वाह वाह, ऐसे लगता है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। आपका हाथ। ओह थैंक यू सो मच, जरा पहना दीजिए ना। जी लेकिन मैं प्लीज। सुंदर, अति सुंदर। आपको पसंद है? बहुत। कौन ऐसा अन्नाड़ी होगा जो सुंदर चीज को सुंदर नहीं कहेगा? सुना है आपको हीरे बड़े पसंद थे। हाँ, किसको पसंद नहीं, हीरे तो आखिर हीरे ही होते हैं। जानते हैं ये हार बड़ा कीमती है। माँ कसम आपसे ज्यादा अनमोल तो नहीं। चलो छूटे। झूठा मैं? हाँ हाँ, वो तलवार वाला भी यही बोल रहा था, कह रहा था ये झूठों का बाजार है और मैं भी इस बाजार में हूँ। देखो ना, इसकी हर चीज नकली है, दूध नकली, घी नकली, ये नकली, वो नकली, सब कुछ नकली। तो क्या एक रंजीत कुमार नकली नहीं हो सकता? खाना तैयार है, चलिए खाना खा लिया जाए। जी नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने असली घी के पराठे खाए हैं, और अगर दोबारा खाने बैठ गया ना तो खाते खाते सो जाऊंगा, और वैसे मुझे जल्दी सोने की आदत भी है। अच्छा आज्ञा दीजिए। सुनिए जी, फिर कब मिलेगा? आज ही। आज कहाँ? सपने में। रंजीत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बुरा नहीं। हुँ? एक्टिंग अच्छी करता है। केस इंटरेस्टिंग होगा। आइए गाड़ी में बैठिए। मोटर में क्यों? आप इतने बड़े कलाकार हैं, हमें सेवा का मौका दीजिए। अरे कलाकार तो हमारे बाप दादा भी थे, लेकिन उनको कभी कोई मोटर लेने नहीं आई। अजी उस जमाने में मोटर होगी ही नहीं। हमने तो आपके रहने का भी प्रबंध किया। अच्छा आइए। हाँ हाँ चलिए चलिए, आइए आइए ना। Thank you.
दूंगा। अरे भाई शर्म करो शर्म। अरे बाबा तुम इनको संभालो। मैं खिलकी खिलकी तुम भी धोखा खा गई रोटी रंजीत। कमान रो बेटा ये दरबार वाले तुम्हारे आंखों पे पर्दा पड़ गया क्या तू सबके सामने पर्दा हटा दो। हाँ हाँ कम से कम तुम्हारी सूरत तो देख सकूं। अरे ये कैसे हो सकता तू मेरी जुड़वा नहीं मेरी माँ की नहीं मेरे बाप की नहीं फिर तुम्हें मेरी शक्ल कैसे मिली। हमारे माँ बाप एक है सही मेरे दोस्त लेकिन हम दोनों को बनाने वाला तो एक है और मिलाने वाला भी खूब मिलाया है उसने। माँ कसम अगर तुम मेरे गांव चले जाओ तो मेरी बहन बेलू तुम्हें भोला समझकर भैया भैया पुकारने लगे और अगर तुम मेरी माँ के सामने आ जाओ तो वो तुम्हें अपना बेटा रंजीत समझकर अपने गले से लगा ले। अच्छा कहाँ है वो। तीर्थ यात्रा पर गई मेरी बीमारी अच्छी होने की प्रार्थना करने। क्या बीमारी है तुमको। कैंसर बड़ी खतरनाक बीमारी है कहते हैं जिसे लगती है उसे अपने साथ ले जाए। राम 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 जीवन के दो चार दिन मार काट से नहीं प्रेम भक्ति से बिताओ भैया। प्रेम तो मैं खूब करता हूँ वही भक्ति की बात हूँ माँ करती थोड़ी बहुत तुम भी कर लिया करो। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी। अब उस पर कुछ नहीं बीतेगी भगवान ने मुझे ठीक करने के बजाय तुम्हें भेज दिया और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें जगजीत बनकर माँ का दिल रखना होगा। बोलो यह एहसान करोगे एक दोस्त पर। तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मैं तो बहन की शादी के लिए रुपए कमाने आया था। तुम्हारी बहन मेरी बहन उसकी शादी बड़ी धूमधाम से होगी। सच। और हाँ तुम्हें रंजीत बनने के लिए 500 रुपये महीना दिया जाएगा लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम नकली रंजीत हो। किसी को पता नहीं चलेगा माँ कसम। ये मिस रूबी हैं। हेलो नमस्ते। रूबी इनको इनका कमरा दिखा दो। आइए। सुनिए आप इंसान के रूप में ना जाने क्या है बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हम रोज सलाम मारते हैं पर ये साल में एक बार भी जवाब नहीं देता। गुड मॉर्निंग। अरे अरे तुम पेपर पढ़कर आया हूँ। आपकी फोटो छपी है। जानता हूँ छपनी चाहिए थी चोरी के केस में और छप गई फैंसी ड्रेस में। कट शॉर्ट काम की बात करो। कल के माल का क्या लोगे। 15 लाख लेकिन सरकार ने 12 लाख बताया। 8 लाख में सौदा करवा दूँ। 10 डन। फ्राइडे शाम को उसी वक्त उसी जगह। See you. हेलो सर शोरूम में मिस रीता और उनके अंकल आए। वेरी नाइस। अब यार रीता इस खूबसूरत अप्सरा को देखो संग तराश का क्या कमाल है इसने। वाकई बहुत खूबसूरत है। आपसे ज्यादा नहीं। ओह व्हाट अ सरप्राइज। सरप्राइज तो आपने दिया है जो हमारे शोरूम में तशरीफ लाई। हेलो तो ये शोरूम आपका है। जी आप ही का है। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत चीजें हैं जैसे कि अप्सरा मगर बेजान है। शायद आपने खुद को आईने में नहीं देखा। बनाने वाले ने आपको इतना खूबसूरत बनाकर एक धड़कता हुआ दिल भी दिया। ये तो पत्थर का है किसी की धड़कन महसूस नहीं कर सकता। क्या कीमत है इसकी। आपके सामने इसकी कोई कीमत नहीं। रैबिट अप। लोगों को खुश करना शायद आपकी आदत है। कल आपने पार्टी में सबको लूट लिया। ओ, इन्होंने पार्टी को लूट लिया। उधर किसी ने हीरे लूट लिए। क्या आप ये बता सकते हैं लोग चोरी क्यों करते हैं। हम आप सब चोर हैं मिस रीता। जी
हाँ, सारी दुनिया चोरी का कारोबार है। बहरा कली से रस चुराता है और बादल नदी से जल। आंख किसी की नींद चुराती है और इंसान किसी का दिल। आप परेशान मत होइए, डोंट वरी सर। ओ, ये रहा हमारी तरफ से नाचीज तोहफा। शुक्रिया। हम आपका शुक्रिया तब कबूल करेंगे जब आप हमारे घर मेहमान बनकर आए। हम तो आपके यहाँ आ ही जाएंगे, लेकिन याद रखिए आपको भी एक दिन हमारे यहाँ खास मेहमान बनकर आना होगा। हाँ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, आप बुलाए हम ना आए। रूबी, तुम्हें 7 दिन के अंदर में थोड़ा रंजित बनाना होगा ताकि मेरे बर्थडे पार्टी पर आने वाले लोगों को मेरी गैर हाजिरी पर शक ना हो और मैं हीरो के साथ निकले जा सकूं। मैं कोशिश करूंगी। मैं वैसे की मैं कोशिश करूंगी। Say it will be done. Of course it will be done, darling. You know it will be done. Thank you. छुरी उठा और बाएं हाथ में काटा। चलिए आप भी उठाइए छुरी। मैं क्यों? वैसे मैं औरतों से लड़ता नहीं हूँ, मगर जब नौबत छुरी तक पहुँच ही गई है तो फिर हो जाए बेचार हाथ। ये क्या करें आप, ये लड़ने के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? खाने के लिए। खाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं बाबा, छुरी से खाऊंगा तो मेरी जीभ कट जाएगी, लोग कहेंगे भोला गूंगा हो गया है। साहब लोग हाथ से नहीं छुरी कांटे से खाते हैं, छुरी से काटो और कांटे से खाओ। गुड बॉय। ये मटर तो कैंची से भी नहीं कटेगा भाई जी। मटर को कांटे से पकड़ के मुंह में डालिए, समझे? समझा। जान बचा के भाग रहा है। छोड़ो इसे, दूसरा लो। ना, अगर ये जिद्दी है तो मैं भी हूँ। अगर इसे छोड़ दिया तो दूसरे मटरों का दिमाग खराब ना हो जाएगा। बुलाई पागलपन है। कुछ भी हो अब तो अपनी इज्जत का सवाल है। अच्छा बेटा, दरवाजे की तरफ भाग रहा है। ए बोला, ये क्या कर रहा हो? अंग्रेजी तरीके से खाना सीख रहा हूं। गुड, ये सब सीख जाओगे मुझ जैसे बन जाओगे। तेरी ते आ फंस गया, फंस गया। एन फॉर नाटी, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरेट, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रीता, आर फॉर रीता, आर फॉर रीता, आर फॉर रीता। आप हमेशा आर पे अटकते हो, आगे बढ़ो। आगे आगे कुछ नहीं है, रीता के आगे कुछ भी नहीं। पर आर के आगे तो है। आगे नहीं, पीछे। क्या? पी फॉर बोला, आर फॉर रीता। टू थ्री, वन टू थ्री, वन ये तो गड़बड़ हो जाती है ना, आपका पाँव भारी है मेरा पाँव हल्का। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है मेरा पाँव भारी है आपका पाँव हल्का, इसलिए तो बार बार ये सब गड़बड़ हो जाती है। बहुत अच्छा है, मैं दबा दूं? तुमने सही बोला। रूबी, आज आखिरी दिन है। ओला की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। आज की पार्टी में अगर तुम्हारा बनाया हुआ रंजीत फेल हो गया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। मेरे सामने रूबी को किसी ने भी हाथ लगाया तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। कमान रूबी डाल। Thank you.
बोला नहीं। हाँ माफ करना यार, कहीं जोर से तो नहीं लगी? क्या करूं, देहाती हाथ है। वैसे भी तुमने कईयों को थप्पड़ मारे होंगे, सोचा एक खा लोगे तो दर्द का अंदाजा हो जाएगा। बोला, आज शाम को मैं किसी काम से जा रहा हूँ। तुम तो जानते हो कि आज मेरा जन्मदिन है, कई मेहमान आ रहे हैं। आज तुम्हें रंजीत बनकर उनके सामने एक्टिंग का नमूना पेश करना होगा। और हाँ, अगर लोगों ने जान लिया और उनको यकीन हो गया कि तुम रंजीत हो तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। गुड। मेरे बैंक को पैसे जा रहे हैं? जा रही है। बोला गुड। बस कल मुही कहाँ मर गई थी? अरे रोटी जल रही है देख। काम की ना काट की मनमर चांदर में पर नहीं है कमी। काम की ना काट की मनमर नाचती छूट छूट बाकी घर से काम नहीं उठा रही जला दी जा रही उठा माँ की बच्ची। क्या है? मनी ऑर्डर बोला ने भेजा है। पैसे लाला जल्दी दे दे, मुझे दे दे। बेलू के नाम है, उसका अंगूठा चाहिए। बेलू बाहर गई है, अंगूठा मैं दे देती। नहीं मासी, ये सरकारी काम है, इसमें अंगूठा उसका ही चाहिए। ओहो, सरकार को क्या मालूम कि अंगूठा बेलू का है कि मेरा? सरकार सबके अंगूठे पहचानती है क्या? नहीं मासी, मैं नहीं दे सकता, बेलू नहीं है तो मैं फिर आ जाऊंगा। अरे ठहर जरा, ए बेलू इधर आ, अंगूठा लगाना है। भैया ने भेजे हैं? हाँ यहाँ अंगूठा लगाइए। और कुछ लिखा है? हाँ लिखा है, मैं ठीक ठाक हूँ, मेरी चिंता मत करना, मुझे अच्छी सी नौकरी मिल गई है, 500 रुपए भेज रहा हूँ, तुम्हारा भोला। माँ भैया ने पढ़ी आई भैया की बहन, जिंदगी भर जो मैंने खिलाया वो कौन पूरा करेगा? हाँ नहीं सुधरोगी मासी। चुप रहे मासी के बच्चे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। जिंदगी भर मैंने कमाया उनसे बहुत पूरा करेगा। माँ भैया ने कितनी मुसीबतों से ये पैसे कमाए होंगे। क्या किसी की जेब काटी होगी, नहीं तो चोरी की होगी, उस निकट्टू को इतना पैसा कौन देगा? माँ खबरदार, जो मेरे भैया को कुछ कहा तो। क्या धमकी दे रही है? मोती मत कर। गालियाँ क्यों सुनता है रे? देख भैया का आज मनी ऑर्डर आया है, उसमें लिखा है कि भैया को एक बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है, भगवान करे मेरा भैया हमेशा सुखी रहे। देख मेरा बोला, आज तुम्हारा इम्तिहान है, लेकिन याद रहे तुम्हारी जरा भी भूल हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। डोंट यू वरी सर। तो चलिए होने। चलिए। हाँ एक मिनट, रंजीत बनने में शायद एक कमी रह गई। चलिए रोगी भाई। कमान रोगी डार्लिंग। रंजीत डार्लिंग, एक मेरी तरफ से। ओह
जन्मदिन मुबारक। इनसे मिलिए कमिश्नर ऑफ पुलिस। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मैं आपसे पहले कहीं मिल चुका हूँ। फैंसी ड्रेस पार्टी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हेलो रीटा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी बर्थडे डैडी। हैप्पी बर्थडे सनी। कम रीटा डार्लिंग। ये क्या कर रहे हो आप? ये हमारी स्टाइल है, पसंद नहीं आया आपको? जी नहीं, मुझे तो आपकी वही स्टाइल पसंद है। कौन सी? दिल सच्चा और चेहरा झूठा। अरे यही तो नाटक हमारे साथ हो रहा है, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। रंजीत, एक आपका इंतजार कर रहे। उससे कहो हम भी आते हैं। कौन है ये? मेरी सेक्रेटरी। बड़ी तेज मालूम होती है। अरे तेज हो या धीमी हमें क्या, जिसकी है वो संभाले। इसे फूंक कर बुझा दीजिए और छुरी से काटिए। नहीं रूबी, जलते हुए दिए बुझाऊं और अच्छा भला दिल काटूं, ये हमसे नहीं होगा। अरे हम तो बुझते हुए दिए जलाते हैं और टूटे हुए दिल जोड़ते हैं। मजाक छोड़िए और फूंक मारिए। अच्छा तुम कहती हो तो मार देता हूं। नाजुक से दिल पर आपकी छुरी चलाई। Where's Max? He should be here any moment. वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत चीज है। क्या कहती है? काम दे, प्यार करने वालों का भगवान। और मैंने आज से तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। दिया था ना वो मूर्ति, भूल गए? मूर्ति मैंने कब? अपने शोरूम में। और कहा था हम सब चोर हैं, थोड़ा कली से रस चुराता है, बादल नदी से जल, और इंसान किसी का दिल चुराता है। अरे ये किसी चोर ने कहा होगा। अरे हम तो दिल चुराते नहीं, दिल के बदले दिल देते हैं। इस साथ ले घुसाते। आप तो रोज रोज नई नई बात। वो तो करता हूँ, बातें तो बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपको देखते ही जुबान तालू से अटक जाती है। और आप जी चाहता है कि आप मुझे रास्ते आपको दिल में उतार लू, आपका दिल नहीं चाहता कि आप मुझे अपने दिल में उतार ले, तो फिर उतर जाए किसी। छोड़िए और उस दिन की तरह कुछ सुनाएंगे। अरे उस दिन तो मैंने सुनाया था, आज आपकी बारी। मैं अरे अब तो जीवन भर का संग है, मेरा बाजा और आपकी आवाज, ऐसी संगत कि रंगत जम जम मा कसम।
जरूरत है, दुनिया में प्यार की सबको जरूरत है, दिल से दिल में यही मोहब्बत है। कर ले प्यारे कर ले आके चारे, कर ले प्यारे कर ले आके चारे, कर ले अब दुनिया में प्यार की सबको जरूरत है, दिल से दिल में यही मोहब्बत है। कर ले सोचता हूँ पहनाऊं कैसे। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, अगर गले में पहनाने की चीज है तो गले में पहना दो, अगर हाथ की चीज है तो हाथ हाजिर है। इंस्पेक्टर बहुत पुलिस वाले आए आज। सबके सामने तुमने ये क्या हरकत की? सर मैं जानना चाहता था कहीं उसने रंजीत का मास्क तो नहीं पहना होगा। क्या? यस सर। पट्टी बांधकर क्यों लाया गया है? कौन हो तुम लोग? सवाल मत पूछो डॉक्टर, मुझे गोली लगी है।
ये लो 5,000 रुपया, अपना काम करो क्विक। गर्म पानी का इंतजाम करो। तुम होश में हो प्रधान? रंजीत शाम से मेरे सामने इस पार्टी में। सर, गोली रंजीत को ही लगी थी। आई एम श्योर अबाउट इट। अगर रंजीत के खिलाफ तुमने यहाँ कोई एक्शन लिया तो वो मुझे पुलिस के खिलाफ अदालत में बयान देने के लिए खड़ा कर देगा। तुम शुरू से ज्यादा इस केस में दिलचस्पी लेने लग गए। यू बेटर टेक फ्यू डेज ऑफ। सर, अगर रंजीत यहां था तो फिर गोली किसे लगी? हम कितना गहरा है डॉक्टर? हड्डी को भी नुकसान पहुंचा है। पहले की तरह चलने फिरने के लिए टाइम कम से कम एक महीना और लगेगा। दैट्स टू मच। एक महीने मेरा सारा काम रुक जाएगा। और अगर महीना भर आराम नहीं करोगे तो जिंदगी भर चल नहीं पाओगे। ब्लास्ट इट। मैंने रिफॉर्म के लालच में आपकी जान नहीं बचाई। मेरी फीस सिर्फ 1,000 रुपया है। अब मैं जा सकता हूँ? कोर्स। थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, तुम उनका कमरा दिखाओ। कमरा? मेरे काम के साथ साथ तुम्हारा काम भी रुक जाएगा डॉक्टर। जब तक मैं ठीक नहीं होता हूँ तुम यहीं पे रहोगे। इट इज इम्पॉसिबल। मेरी प्रैक्टिस, मेरे घर वाले, उन्हें पैसे पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरे ठीक होने के बाद ही रिहा किया जाएगा। खान, घबराओ नहीं डॉक्टर, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। हेलो रूबी डार्लिंग। ये तुम्हें क्या हुआ? पुलिस की गोली लग गई। कमबख्श ने 1 महीने के लिए बेकार कर दिया है। मुझे तो बाहर जाने की इजाजत भी नहीं। अरे हाँ, आज की पार्टी में भूला कैसे रहा? सुपर। हाँ, तो 1 महीने के लिए वो रंजीत बन सकता है। आई थिंक सो। रूबी, जाकर भूला से कह दो कि रंजीत 1 महीने के लिए शहर छोड़ के बाहर चला गया है, और उसे कह दो कि रंजीत बन के वो पुलिस को ये साबित कर दे कि गोली रंजीत को नहीं किसी और को लगी। राइट? राइट। रूबी, तुम खूबसूरत भी हो और समझदार भी। बोला, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेरा तो अभी तक बैंड बज रहा। अच्छा सुनो बोला, रंजीत को मरने के लिए बाहर गए हैं। उनके आने पर तुम्हें रंजीत बनकर रहना होगा। मुझे तो उसकी माँ के आने पर रंजीत बनना है। अगर रंजीत के गैर हाजिरी में लोगों ने तुम्हें रंजीत समझ लिया तो रंजीत की माँ भी तुम्हें अपना ही रंजीत समझेगी। अच्छा, इसका मतलब हम इस घर के मालिक हैं? Of course. Of course. तो फिर पट्टा नहीं बदलना, नहीं तो हम चले अपने गाँव। आज तो भाई आस्ते।
गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. राम 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 राम. भगवान के आगे ना फूल माला ना दिए. अरे मैं पूछता हूं तुम लोग नास्तिक हो क्या? जाओ फूल माला लेके आओ. आज क्या बात है? बात बात कुछ नहीं. कल रात जो हल्का सा भौंचाल आया था शायद उसके झटके इनके दिमाग को भी लगे हैं. आज मूड ठीक लग रहा है. मेरा भी यही ख्याल है. तुम फिर गांव वाले जैसे बातें करते हो. रंजीत बाबू भगवान को नहीं मानते थे. क्या भगवान को नहीं मानते थे? नहीं. पूजा पाठ भी नहीं करते? कभी नहीं. इसीलिए तो उनको ये खतरनाक बीमारी है. नहीं तो हरि भजन करने से तो गले भी अच्छे हो जाते हैं. भाई कभी हम भी फटीचर थे. ये तो वक्त वक्त की बात है. अरे चाय मास्टर आओ. गुरु ने क्या पहचाना नहीं? वो बाजरे की रोटी. अरे मास्टर ने भी खूब एक्टिंग दिखाया. नमस्ते नमस्ते. बोला मेरे को गाँव से आया बाजा बजाता हूँ. अभी भी बजाता है? बजाता नहीं. ये सब कुछ तो उसके बाद मिला है. कौन सा आंकड़ा खिला? अरे आंकड़ा नहीं यार, ये सब कुछ तो भगवान की कृपा से है. तुम बस फटाफट दो कप चाय बना दे. यार बोरी बंदर के सामने मिला था इसको. उधर चाय पिलाया था. ले भाई तू भी पी. अरे काय को नखरा करती है? तेरा भरत पीता तो तेरे को क्या वाला है? छोटी अच्छी है. कहां से फसाई? ये तो मेरी सेक्रेटरी है. मेरी वाली तो वो है रीता. शादी बनाएगा? मेरे को बुलाएगा? चाय पिलाएगा? हाँ तेरे को स्वागत के दिन ऐसा चाय पिलाएगा कि बस तू दूल्हा हो जाएगा. क्या बात है? कितना सुबह सारा नहीं आज तो नहीं 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 तू कहता था ना तूने कभी चेक नहीं देखा. आज ही तुझे 500 रुपए का चेक दूंगा. हाँ रवि भाई जरा हो जा 500 रुपए का चेक. चलेगा ना? अरे भागेगा भी. ये ले. अरे यार अरे तू तो सचमुच मौत का बच्चा है. भगवान तुझे से भी बड़ा शेर बने. ए भाई अपनी दुकान पे बैठा है. काम कर. ए टाइगर तुम बहुत अच्छे. अब बंद करिए सब चैरिटी पर और शुरू आज का प्रोग्राम. सुना 11 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग. 1 बजे लंच. 2 बजे शोरूम का मुआयना. और 3 बजे लिख रहा क्या तुमने? इसमें रीता से मिलने का टाइम तो लिखा ही नहीं है. तुम उससे नहीं मिलोगे याद है ना? तुम्हें भी याद है ना मैं चला अपने गाँव. पट्टा नहीं बदलना. लगा लें. हेलो. हेलो मैं वो रंजीत स्पीकिंग. रीता जी हैं? जस्ट अ मिनट. रंजीत का फोन है. हेलो. हेलो आपकी मीठी आवाज आते ही कान मीठे हो गए. क्या कर रही थी आप? जी कुछ नहीं बस आप ही के बारे में सोच रही थी. मेरे बारे में सोच रही थी. सुनिए आज हम शहर को चले. जी शहर के लिए. उसे यहीं बुला लो. कितना अच्छा होता अगर आज आप हमारे साथ लंच खाते. जी नहीं लंच तो हम आपको खिलाएंगे समुंदर में. एकदम स्पेशल. यहाँ सिर्फ आप होंगे मैं होगा. क्या ख्याल है? ख्याल बुरा नहीं है. चलेगा. ओके आज अगर तुमने होशियारी से काम लिया तो रंजीत कुमार कल पकड़ा जा सकता है. वो कैसे? ये गोली देखती हो? इसे शरबत में मिला के पिलाने से आदमी सच बोलने लगता है. दिल की बात जबान पर आ जाती है. सच? तुम्हें इसके असर का नमूना दिखाता हूं.
इंस्पेक्टर जगदीश। कमिंग। मिस मैरा। आई। इंस्पेक्टर जगदीश और मिस मैरा एक दूसरे से दिल ही दिल में मोहब्बत करते हैं, इसके पीने से दिल की बात जबान पर आ जाएगी। यस इंस्पेक्टर। रंजीत का फोन था, आज फिर उसने रीटा को लंच पे बुलाया। वेरी गुड, ऐसा लगता है हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो तुमसे शादी करना चाहता हो? शादी की बातें तो होती रहेंगी। लीजिए शरबत पी लीजिए। थैंक यू। चीयर्स। मिस मेहरा एक बात पूछूं, आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? मैंने फैसला किया है जब तक पुलिस में हूँ शादी नहीं करूंगी। पुलिस की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? और आप मिस्टर जगदीश, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? इसलिए कि मुझे मुझे इस 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 हाँ कहिए। इस हसीना से बेहद मोहब्बत है, मैं इसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। क्यों मालती? हाँ हाँ बोलिए बोलिए ना। जगदीश मेरे सपनों के सौदागर, ये तुमने क्या कह दिया? मेरे दिल में झांक कर देखो, अपनी ही तस्वीर पाओगे। मालती। जगदीश मेरी मालती, आओ हम दोनों मिलकर एक नई दुनिया बसाए। जगदीश मेरी ही मालती। इंस्पेक्टर जगदीश आप जरा उस कमरे में जाइए। मेरे सपनों की रानी, मालती। जगदीश देखा अब तो यकीन आ गया तुम्हें? कमाल की गोली है। इसे तुम रंजीत को पिला देना और जो कुछ वो कहे उसे रिकॉर्ड कर लेना। ओके सर। गुड। समझ नहीं आता इस सर में दर्द क्यों हो रहा है। मेरे भी सर में दर्द हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ से गए कब? कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या बात है? नेवर माइंड, तुम दोनों पे पिल्स का एक्सपेरिमेंट किया गया। पिल? जी हाँ ये पिल्स। बाजरे की रोटी और मक्खन और उस पर सरसों का साग। हाँ मगर आप ऐसा खाना खाते हैं? अरे विलायती खाना खाकर अगर तो मैं बोर हो गया हूँ। ये हमारा लजीज खाना, और जानती हो इसके साथ प्याज खाया जाता। पकड़ो पकड़ो। हाँ छुरी से क्यों नहीं काटा? अरे प्याज का मजा ही तब आता है जब उसे मुठ मार के खाया जाए। ये चम्मच काटा रहने दो। हाथ हाथ लेकिन मुंह चल रहा है। जल रहा? क्यों? मिर्ची बहुत है। आ? अभी लाया लस्सी? लस्सी नहीं शरबत है। कौन सा लाऊं, संतरे का, नारंगी का या हलसे का? नारंगी का चलेगा। चलेगा अभी ला। बर्फ नहीं है? बर्फ? अभिला बात कहूं? हाँ हाँ जाने दीजिए। बोलिए ना। सुनिए मेरा कुत्ता मोती है ना, उसके पीछे सारे गांव की कुत्तियां पड़ी हुई हैं।
लेकिन वो किसी की तरफ नहीं देखता, बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। और? एक प्राइवेट बात बोलूं? रूबी है ना, बड़ी खराब है, मेरे से ऐसे चिपक चिपक के डांस करती है कि मुझे कभी कभी डर लगता है, इसलिए मैं अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करके रात को सोता हूँ। अच्छा करते हैं, मुझे भी वो अच्छी नहीं लगती। एक काम की बात बोलूं? एक सच्ची बात? जो तुम समझ रही हो ना, वो मैं नहीं हूँ। क्या तेरी की अहम वक्त पर किसी ने पलटा खाया। अच्छा तो आप क्या कह रहे थे? मैं साला भूल गया। भूल गए? इसे पी लीजिए, शायद याद आ जाए। अच्छा आप तो, आप क्यों नहीं पी रही है? आप भी तो लीजिए ना, लीजिए भी। हाँ याद आ गया, मैं रंजीत नहीं भोला हूं। हाँ असली रंजीत ने मुझे नकली रंजीत बनाया, उसकी माँ बीमार है, मैं तो गांव से आया था अपनी बहन की शादी के लिए रुपया कमाने के लिए। सच? एक बात मैं भी बताऊं, किसी से कहना नहीं, मैं रीटा नहीं पुलिस ऑफिसर लीना हूँ। कमिश्नर साहब ने रंजीत को पकड़वाने के लिए मुझे हीरो के खाल के मानदन बनवा कर भेजा है, और वो जो दो है ना मेरे आंटी और अंकल, वो भी झूठे हैं, पुलिस ऑफिसर। बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, मेरी रातों की नींद उड़ गई माँ कसम। मैंने भी जब से तुम्हें देखा है ना, मेरी भी रातों की नींद उड़ गई है माँ कसम। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है? तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए ना ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। बात करती
गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। से बात करती हूँ या कोई प्यार का इरादा है, आदाए दिल के जानता ही नहीं मेरा हमदम कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। ओह ये, अरे बाप रे बाप, ये मुझे ये क्या हुआ? सर में दर्द? मैं क्या कर रहा था? पता नहीं, आपको याद है मैंने क्या कहा था? नहीं, मैं तो आपसे पूछने वाला था हम लोग क्या कर रहे थे। नाम का कोई आदमी नहीं, आगे और भी बाजे वालों की दुकानें हैं, वहां पता कर लीजिए। अच्छा चल मोती। के बीच में खड़ी होकर भीख मांगती है? मैं भीख नहीं मांग रही थी साहब, मैं वो मेरा भैया भोला उस गाड़ी में अभी यहाँ से जा रहा था, उसी को ढूंढने तो मैं गांव से यहाँ तक आई हूँ। अरे ये तेरा गांव नहीं शहर है, ट्रैफिक में इस तरह दौड़ेगी तो तेरी दूसरी टांग भी टूट जाएगी। चलो जाओ आगे से संभल कर चलना। जी चलो। तुमने बहुत बड़ी गलती की, अगर रंजीत कुमार को यह मालूम हो गया हो कि तुम हीरो की खान की मालकिन नहीं एक सीआईडी ऑफिसर हो तो सारा खेल खत्म। नहीं नहीं, उसे नहीं मालूम हो सकता, क्योंकि आधा ग्लास उसने भी पिया था, वरना होश में आने के बाद सदर की बात नहीं करता। मगर उसने जो कुछ कहा वो भी तो तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रंजीत से झूठी मोहब्बत का ड्रामा सच्चाई में बदल गया हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर ये सच है तो भी मैं प्यार के कदमों में फर्ज का सर नहीं झुकने दूंगी। आई एम सॉरी। अब रंजीत कुमार को फंसाने का आखिरी प्लान ये है कि हम हीरो की नीलामी करें, इसकी खबर सारे शहर में फैला दें, बड़े बड़े लोगों को बुलाएं, रंजीत कुमार भी वहां आएगा और इतने सारे हीरो को देखकर वो यकीनन अपने आप पर काबू नहीं पा सकेगा। राइट श्योर। भोला की बहन का इस शहर में रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। रूबी, तुम कब से इतनी केयरलेस हो गई हो? तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की सर, पर वो न जाने कहां गायब हो गई। शंकर, अब्दुल, नहीं है, खान, जहां कहां भी वो लड़की है उसे यहां लेकर आओ। गेट आउट। चाय गरम गरम चाय, चाय गरम गरम चाय।
ए भाई, अरे देख रोटी गले में जाम हो गया, लाए चाय के साथ खाना। नहीं नहीं, ये तो याद की हिचकी है, मेरा भैया मुझे याद कर रहा होगा, और फिर मेरे पास पैसे भी नहीं है भाई। तूने अपन को भाई का है तेरे की, तो फिर पैसे का बात काय को करती है, ले पकड़ चाय। रहने दो भैया, क्यों तकलीफ करते हो। अरे इसका टेस्ट देख, टेस्ट चौपाटी से बड़े बड़े सेठ लोग इसका टेस्ट लेने आते हैं। कहाँ से आई है? गांव से, गांव में बाढ़ आने की वजह से सारा गांव डूब गया और माँ भी मर गई, एक भैया बचा है उसी को तो ढूंढने यहाँ चली आई हूँ। ये कौन है? मोती, मेरा सहारा। बस इतने बड़े शहर में इस कुत्ते के सहारे चली आई? ओ गुरु, ओ माफ करना मोती राम जी। हरिओम। मोती इतना पता क्या तेरे भाई का? पता तो मुझे भी नहीं मालूम, नाम भोला है। भोला? हाँ, क्यों? कहाँ, बंबई में कोई भोला नहीं, बाहर गांव से सब भोले भाले आते हैं, पर इधर आकर 420 बन जाते। नहीं नहीं, मेरा भैया ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर मेरी तरह चाय बेचता होगा। अच्छा बहन, मैं चला, अगर रहने का ठिकाना ना मिले तो शाम को इधर ही मिलना, अपन तुमको बाबुलनाथ के मंदिर में खोली दिलाएगा। हैं? अच्छा नमस्ते। नमस्ते मोतीराम जी। चाय गरम। ए हवालदार, फिर आ गया चाय पीने? ये क्या बाजे वाले के हाथ में तलवार पकड़ा दी? चलो स्टार्ट। जय हो रंजीत बाबू। ऐसे नहीं, ये गलत है, ये गलत है। नहीं नहीं, हमारे गांव में तो ऐसी होता है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को बनाए रखे। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सिंगार मेरी बहन करेगी, सोला सिंगार मेरी बहन करेगी, टीका चढ़ेगा और हल्दी लगेगी, बहना के होठों पे झूलेगी नथनिया, और झूमेंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, धरती पे बहना रानी पाँव न धरेगी,
पलकों की पालकी से बहना को बिठा के ले जाएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सजना के घर चली जाएगी जो बहना, सजना के घर चली जाएगी जो बहना। होंठ हंसेंगे मेरे रोएंगे ये नैना, रखिया के रोज रानी बहना को बुलाऊंगा, लेके आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। भैया तुम भी बाजा बजाना जानते हो? हाँ, मैं बाजा बजाता हूँ और ये तबला बजाते हैं। अच्छा हाँ? फिर तो तुम वो भोला बाजे वाले को भी जानते होंगे। भोला, भोला बाजे वाला? हाँ? वो तो हमारा दोस्त है। हाँ, वो तो हमारा दोस्त है। अच्छा कहाँ रहता है वो? वो मेरा भाई है। वो सामने वाले मकान में तो रहता है। कहाँ? उधर। हाँ, हाँ, चलो तुम्हारे भाई से मिला। चलो चलो चलो। छोड़ दो मुझे गुंडे, अब मालूम पड़ा मुझे यहाँ किसने लाए थे।
ए लड़की, कौन हो तुम? पेलू। अरे तुम तो वही हो जो सुबह कार के नीचे आते आते बची, यहाँ कैसे पहुंच गई? इन गुंडों ने मुझसे कहा तुम्हारा भैया यही रहता है और इसी बहाने मुझे यहाँ ले आए और फिर रो मत, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर? कौन सा घर? घर नहीं तो तुम सड़कों पे भटक रही हो। हाँ, सोचा था रास्ते में मेरा भैया मुझे कहीं नजर आ जाएगा तो उसे आवाज देके रोक लूंगी। अरे पागल, तुम्हारा भैया यूं ही थोड़ी मिलेगा। तो फिर चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। लेकिन डरो नहीं, वहां मेरी माँ भी रहती है। आओ। मेरा मोती, मेरा कुत्ता। कुत्ता? अरे वो रहा। आओ संभालो। आज बड़ी देर कर दी बेटे। हाँ माँ, देरी हो गई। ये कौन है? माँ ये बेलू है। नमस्ते माँ जी। जीती रहा। अपने भाई की तलाश में शहर आई है जिसका ना पता है ना ठिकाना, ना जाने इतने बड़े शहर में काम होगा। अरे ये क्या हुआ, कहीं गिर गई थी? गिरी नहीं, गिरते गिरते बच गई, इन्हें गुंडों ने घेर रखा था। माँ जी अगर ये उस वक्त वहां ना पहुंचते तो मैं आज इस संसार को मुंह दिखाने के लायक न रहती। कैसी बात करती हो बेटी, तुम जैसों की रक्षा के लिए तो सरकार ने इसी की पदवी दी है। जब तक तुम्हारा भाई न मिले तुम यहीं रहना। आओ इस पे दवा लगाए। माँ जरा खाना गर्म कर दे, हम तीनों खा लेंगे। तीनों? तीनों कौन? अरे ये श्रीमान भी तो इनके साथ है। बेटी, आपका जख्म भर चुका, निशान तक नहीं रहा। तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा इलाज तुम्हारे हाथों हुआ। ये तो मेरा फर्ज था, अब मुझे रिहा कर दीजिए, मैं जाने मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। शायद ये सोच रहे हो कहीं तुम मर तो नहीं गए। हो सकता है, उन्हें क्या मालूम। अब मुझे आजाद कर दीजिए प्लीज। अपनी फीस तो लेते जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं जाऊं। जाइए, आजादी आपका इंतजार कर रही है। थैंक्स रंजीत। ब्रावो। वो इंस्पेक्टर प्रधान के घर में है। तो उसे ले आओ। हम में से किसी का भी वहां जाना खतरनाक है। रूबी, अगर उसे यहाँ लाना ही है तो कुछ भी खतरनाक नहीं, और फिर इंस्पेक्टर सारा दिन घर पर थोड़ी रहता। माँ बेलू कहाँ है? आज राखी का दिन है ना,
वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उसका भाई उसे मिल जाए। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा माँ। ये लो, फिर बैगन टूट गया। अरे तू वो क्या कहते हैं उसे, वो कपलिंग क्यों नहीं पहनता? आजकल कपलिंग का तो जमाना है। माँ ये कपलिंग का जो आइडिया है ना, जरूर किसी औरत ने निकाला है, ताकि बटन लगाने का चक्कर ही ना रहे। लगा देना माँ प्लीज। रोज तोड़ देता है। कब से कह रही हूँ कि बहू ले आ, लेकिन मेरी सुनता ही नहीं। ले आऊंगा, पहले तुम कोई पसंद तो करो। मेरी पसंद की तो आ गई है, लेकिन एक दिन की पहचान में फैसला करना अच्छा नहीं। दो चार रोज के बाद बताऊंगी। किसकी बात कर रही है माँ? अब मुझसे मत छुपा, तू पुलिस वाला है तो मैं पुलिस वाले की माँ हूँ। ये बटन भी इतना छोटा है कि ये सुई तक नहीं जाती। माँ जी आप रहने दीजिए, बटन मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं बेटी, कल ही आई हो और सारे घर का काम करने लग पड़ी हो, तुम तो हमारी मेहमान हो। तो क्या हुआ, मुझे काम करने की आदत है, गाँव में सारे घर का काम मैं खुद ही किया करती थी। पर इन सहारों से तो काम मुश्किल पड़ जाता होगा। नहीं माँ जी, बल्कि और आसान हो जाता है। क्या ये खराबी जन्म से है या? बचपन में एक बार ठोकर खाकर गिर गई थी, तब से अब तक ठोकरें खाती चली आ रही हूँ। ये तो भगवान का शुक्र है, हर बार गिरने के पहले कोई ना कोई थाम लेता है। अरे हाँ, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, शाम को उसे अपने साथ लेते आऊंगा, शायद तुम्हारा इलाज कर सके। अच्छा माँ सुनिए, मेरे भैया का पता लगाइएगा ना। घबराओ मत, सारी बुंबई छान डालूंगा। देखा था? हाँ। मुझे माफ कर दे बेलू, मैंने सुना ही नहीं। अरे मोटर तो क्या, तेरे लिए हवाई जहाज भी रोक देता। लेकिन भैया मैं तो तुम्हें नहीं ढूंढ सकी, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैं वो ये माँ जी, ये मेरे भैया हैं। नमस्ते माँ जी। अच्छा तो ये है तुम्हारा भोला। हाँ माँ जी, भैया इन्होंने मुझे यहाँ सहारा दिया और इनके बेटे ने मुझे गुंडों से बचाया। माँ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बेटे बैठो। नहीं माँ जी मैं चलूँ, जरा चलती मैं, फिर कभी आऊंगा। चलो बेलू चले। कहाँ? अपने घर। अरे मोती देख तो कौन आया है। भैया को भूल गया, इसे भी शहर की हवा लग गई। मोती मोती शायद मेरे इन कपड़ों से घबरा रहा है। चलो चलो। नहीं भैया पहले राखी बांध दो। राखी? हाँ आज राखी का दिन है ना, और तुम्हें याद ही नहीं, गांव में तो एक महीना पहले राखी का दिन गिनने बैठ जाया करते थे। अरे मैं तो भूल ही गया था। हाँ बांधो बांधो। अभी लाए। देखो बेटा बेलू को यहाँ कभी कभी जरूर ले आया करता, न जाने क्यों मुझे इससे प्यार सा हो गया है। कल ही आई लेकिन लगता ऐसा है जैसे बरसों से पहचान हो। हाँ हाँ माँ जी जरूर ले आऊंगा। अरे मोती 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 कहर मोती। अरे इसे हो क्या गया है? माँ जी बहुत दिनों के बाद मिला है ना, इसलिए बहुत प्यार जता रहा है, गांव में भी ऐसे किया करता था। अच्छा जी मैं चलूं। नमस्ते मोती। देख मैं तुझे मारूंगी अभी मोती। जाने दो बेलू, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, उसे बाद में आकर ले जाऊंगा। अच्छा शाम को ही तुम दोनों आ जाना, मेरा बेटा भी घर में होगा, इंस्पेक्टर है वो। हाँ हाँ जरूर माँ जी। चलो बेलू गाड़ी में बैठे।
माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उनको मेरा नमस्ते कहिएगा। मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन लेंगे, मुझे नहीं मालूम था। एक बात तो बताओ, तुम इतनी जल्दी इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? क्या कोई लॉटरी निकली थी? दो दो। हाय तैया, दो लॉटरी? एक उस दिन और एक आज। भैया ये क्या, तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू कर दिया? तुमने सिगरेट भैया यहाँ रहते हो तुम? वो ऊपर। हाय राम, इतना ऊंचा मकान। आओ ना, ये देख बेलू तेरा नया घर, पसंद आया ना? हाय तैया, ये घर तो सारे शहर से ऊंचा है, ऐसा लगता है जैसे आसमान में आ गए हूँ। अरे पगली, शहर में जितना बड़ा आदमी हो उतना ऊंचा मकान। बस भैया अब इससे ऊंचा घर न लेना, हम लोगों के लिए इतना ही काफी है। अच्छा बिलू, ये कमला है तुम्हारी देखभाल के लिए। मेरी देखभाल? देखो ना, मुझे काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता है, इसलिए कमला को तुम्हारे साथ रखा है ताकि मेरी बिलू को किसी बात की तकलीफ ना हो। भैया जब तुम मुझे मिल गए तो फिर किस बात की तकलीफ? अरे ये रोशनी कौन कर रहा है? अरे ये हमारी फोटो ले रहे हैं पगली। फोटो? भैया फिर तो एक राखी बनवाती भी लेनी चाहिए और एक मोती के साथ भी। हाँ तुम ऐसे करो, मैं अभी मोती को लेकर आता हूँ और राखी भी। अच्छा मोती को जाके ढूंढो, वो जहां भी मिले उसे खत्म कर दो। मोती, यही है वो कुत्ता। Thank you.
कह दो तुम जो कह दो प्यार की हम तमन्ना जवां कर ले तमन्ना तमन्ना जवां कर ले शरारत जवां कर ले शरारत शरारत जवां कर ले ओ कह दो तुम जो कह दो हे प्रभु मैं अपने लिए और कुछ नहीं मांगता सिर्फ ये मांगता हूं तू रंजीत की बीमारी जल्दी से ठीक कर देना जिसने मुझे इतना सुख दिया है तू उसे हमेशा सुखी रखना उसकी मां से उसका बेटा कभी ना छीनना और सुन मेरी बिन्नी है ना उसकी शादी जल्दी से किसी अच्छे से घर में करा दे और मेरे मोती को भी कभी तकलीफ ना देना मुझे विश्वास है तू सबकी सुनता है ना तो इस भोले की भी सुनेगा कहाँ गए सब लोग Thank you.
मैं पुलिस कमिश्नर होता तो हीरों की रखवाली के लिए यहाँ यहाँ और यहाँ पुलिस का इंतजाम रखता ताकि चोरी का कोई खतरा ही ना हो। बट सर, अगर चारों तरफ से पुलिस का पहरा होगा तो हम अंदर कैसे जाएंगे? मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स का इंतजाम किया जाएगा और हम लोग वेटर्स का ड्रेस पहनकर अंदर पहुंचकर उनकी सर्विस करेंगे। सर, हीरो की चोरी सब लोगों के बीच में कैसे होगी? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। नैया, रूबी, थिंक इट। शंकर के सवाल का जवाब मिल जाएगा। मिस रूबी को ये क्या हुआ? वही जो इस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद पुलिस और मेहमानों का होगा। मैंने इसमें एक ऐसा केमिकल मिलाया है जिसे पीकर हर आदमी इसी तरह बुद्ध बने थोड़ी देर के लिए खड़ा रहेगा और उसी बीच में आप हीरो को हीरो के चोर ये काम करते हो? नीच कमीने बोला, यह हीरो की चोरी का नक्शा समझा रहे हो और मुझे बताए शहर से बाहर गए हो। अच्छा हुआ तुम्हारी मां अभी तो हरिद्वार से नहीं लौटी। अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें कैंसर दिया है। तुम्हारी यही सजा है रंजीत, कुत्ते की मौत मरोगे। बोला, तुम बिल्कुल भोले हो। जब सब कुछ तुम जान ही गए हो तो सुनो, ना तो मेरी कोई मां है और ना ही मुझे कैंसर है। ये तो पुलिस को धोखा देने के लिए अपनी जगह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूं। अब ये ढूंढ नहीं चलेगा, मैं पुलिस को सब कुछ बतला दूंगा। बोला, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें सहारा दिया, सड़क से उठाकर आलीशान महल में बिठाया, ऐश आराम दिए, उठने बैठने की तमीज सिखाई, एक गंवार को इंसान बनाया। इंसान? अगर तेरी नजरों में यही इंसान है तो मुझे अपने उस गंवारपन पे नाज है। अरे, तेरे जैसे इंसान से तो वो जानवर अच्छे हैं। पिस्तौल दिखा के किसे डराता है कालिए? मुझे? अरे, सच्चाई को रोकने के लिए कई बार गोलियां चली पर सच्चाई इस दुनिया से कभी नहीं उठी और न उठेगी। हिम्मत है तो चला गोली। बेवकूफ, अब तुम मेरे कब्जे में हो, तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। कभी नहीं, मां कसम अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तू जैसे पापी को पुलिस के हवाले करके दम लूंगा। तो तुम्हारी बेलू का क्या होगा? बेलू? हाँ बेलू, शायद तुम ये नहीं जानते इस वक्त वो मेरे पास। नहीं नहीं, ये झूठ है, मेरी बिल्लू तो गांव में है। गांव में बाढ़ आने से वो शहर चली आई थी तुम्हारी तलाश में, लेकिन मैं उसे मिल गया। वो मुझे भोला समझती है। ये गलत है, मेरी बिल्लू ऐसा धोखा कभी नहीं खा सकती। लोग जब तुम्हें रंजीत समझ सकते हैं तो क्या बिल्लू मुझे भोला नहीं समझ सकती? फोटोग्राफ्स। आंखें खोल कर देखो, बेलू के साथ कौन है, तुम या मैं? अपनी बहन की भलाई चाहते हो तो वैसे ही करो जैसे मैं कहता हूं, वरना जो भाई बहन की डोली देखने के ख्वाब लेकर आया था वो इसकी लाश लेकर जाएगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। गुड, लेकिन याद रखो रंजीत, एक दिन तुम्हें अपने किए की पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे क्या हो गया था? भोला यहाँ? ऑफ कोर्स, अब भोला हमारे साथ है। कल हीरो की चोरी में भोला रंजीत बन के तुम्हारे साथ जाएगा और प्लान के मुताबिक काम करेगा। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, चोरी के बाद कल तुम्हारी बेलू भी यहाँ होगी और आजादी भी। बेली, बेली?
हेलो मिस्टर रंजीत, आप ही की कमी थी, अच्छा हुआ आप आ गए। आया नहीं, लाया गया। आपको तो हीरो की अच्छी खासी पहचान है, यहाँ ऐसे बहुत से हीरे हैं जो आपको पसंद आए। अरे मेरे लिए तो हीरे और पत्थर एक ही समान है, अगर पहचान है तो आदमी। ये पहचान भी हीरो से कम तो नहीं, आज इसकी भी नाव बता सकती है। हेलो, हेलो। एक्सक्यूज मी नाउ प्लीज। शायद हमें देर हो गई। जी नहीं, इंस्पेक्शन तो अभी शुरू ही हुआ है। रंजीत, उस तरफ जेवर है और इस तरफ हीरे, पहले आप ताजा देखना पसंद करेंगे? आप जो दिखाएंगे हम देख लेंगे। आइए तो मैं आपको हीरे दिखाऊं। रंजीत जरा देखना तो, क्या कीमत होगी इसकी? इसकी 30,000। लास्ट से देखकर बताना। अरे हम तो कोरी आंख से हीरा परखते हैं, क्यों यकीन नहीं है? प्रधान। गुड मॉर्निंग सर। हमारे खास मेहमान आ गए। जी हाँ, हीरो की जांच हो रही है। धूप में क्यों खड़े हो? छांव में बैठकर दिल ठंडा करो ना। बूढ़े तुम हो बाबा, मैं नहीं, तुम जाके छांव में बैठ। जीते रहो बेटा, जीते रहो, तुम्हें बुजुर्गों का कितना ख्याल है। ठंडा है साहब। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि कमिश्नर साहब को जरूर पिलाइएगा। बेटा तुम भी पी लो, मुझे प्यास नहीं लगी। तो अब लगने लगे कि यह हीरो की गर्मी जो है, हमारे लिए तो गर्मी सर्दी दोनों बराबर है। चाचा जान, क्यों बोले से बहस करते हो, पी लो ना। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं, यहाँ पर कोहिनूर का हीरा दिखाया जा रहा जिसकी चमक मीलों दूर तक जाती है। तुम चुपचाप आंखें बंद करके खड़े रहो वहां पर। ओके सर। देखो अपना काम करो इडियट। सॉरी आंटी, सॉरी अंकल।
यकीन रखिए सर, हम अभी तक बाजी नहीं हारे। हीरो के साथ चोर वो लॉकेट भी ले गया है जिसमें मैंने ट्रांसमीटर रखा था। उसने मुझे बेहोश किया और मेरे कपड़े पहन के चला गया। मुझे बनाने की कोशिश मत करो वरना मैं रंजीत से कहकर तुम्हारी मरम्मत करवाऊंगी। तुम्हें बकवास बंद करो, मैं रंजीत हूँ, रंजीत हूँ, रंजीत। हाँ हाँ, आप ही रंजीत हैं। क्यों, आपको कोई शक है? और फिर ये तो खुशी की बात है कि आप रंजीत हैं और चोर कोई और निकला। सुनिए आप सब लोग, यहाँ लाइन बना के खड़े हो जाइए। बिना तलाशी के यहाँ से कोई नहीं जाएगा। चलिए ऑल क्लियर सर। माफ कीजिएगा, आपको बहुत तकलीफ थी, अब आप जा सकते हैं। रंजीत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे इस वक्त नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दो। क्यों? तुम हीरों के चोर नहीं हो। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुम सच्चे आदमी निकले। अब मेरी जिंदगी का फैसला तुम्हारे ही हाथ में है। मगर अफसोस इस वक्त मेरी जिंदगी का फैसला किसी और के हाथ में। कौन रूबी? आजादी दिलाने के लिए। आजादी? मैं समझी नहीं। अब्दुल,
ये डब्बे सेफ में रख दो और भोला के आते। भैया तुम ये क्या कह रहे हो? भोला का इंतजार करो और उसके आते ही तुम चलो मेरे साथ। भैया चुप रहो, तुम चलो मेरे साथ। तुम्हें क्या हो गया भैया? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ट्रांसमीटर भैया कहाँ लिए जा रहे हो? ये सब लोग जो नीचे हैं वो कौन है? मुझे यहाँ पर दीवानगंज क्यों लाया गया, क्यों नहीं पता? सर मेरे साथ रॉकेट भी था और इसमें ट्रांसमीटर। हाँ सर, इसके जरिए पुलिस हमारा पीछा करती यहाँ तक पहुँची। ठीक है, नीचे तो मेरा इंतजार करो। थैंक्स। चलो पुलिस तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है? मेरा नहीं बेलो, इस आदमी का पीछा करी जो कि चोर है, ये समझ के साथ ही है। चोर मत बोलो, मैं अब समझी तुम यहाँ से जल्दी क्यों भागना चाहते हो। ये शान शौकत, ये बंगला, ये गाड़ियाँ सब चोरी का माल है। तुम मेरी टोली उठाना चाहते हो ना? बाप की कमाई से तुम्हारी बहन की दानी नहीं अच्छी होती है। बहुत अच्छा किया भैया, बहुत अच्छा किया। आज तक सौतेली माँ के हाथों मार खाती रही हूँ, अब तुम्हारे हाथ से भी खा ली। फिर मुझे माफ कर दो कमीने, मेरी बहन पे हाथ उठाता है? बेलो, ये भोला नहीं है, ये मेरा हमशक्ल है। मुझे रंजीत के नाम से पुकार कर तुम मेरी बहन को धोखा नहीं दे सकते। वो अच्छी तरह जानती है कौन सच्चा है और कौन झूठा। नहीं बेलो, ये झूठ बोल रहा है, ये वही शैतान है जिसके पीछे पुलिस पड़ी है। शैतान और इंसान को पहचानने में धोखा मत खाना पसंद। इस शैतान ने मुझे समाज के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। अगर ठीक वक्त पर तुम्हारा भोला नहीं आता तो मैं अपनी जान बेच चुकी हूँ। झूठी कही थी। खबरदार जो इस पर हाथ उठाया। मैंने तो भाई समझ कर तेरा थप्पड़ खा लिया, मगर इससे पहले कि तेरा हाथ किसी और पर उठे मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। तोड़ देना हाथों को। जिन हाथों में राखी बांधकर उनकी सलामती की दुआएं मांगा करती थी, आज उन्हें तोड़ते। नीच कमीने, अपने झूठे मुंह से राखी जैसे पवित्र रिश्ते का सहारा मत ले। बेलू, मैं तुम्हारा भाई हूँ। नहीं, तेरी सूरज मेरे भाई जैसी है, पर सूरज नहीं। रहने दो बेलू, इसको तो सजा पुलिस ही देने वाली है। चलो चलो। रुक जा बेलू, बेलू मैं कहता हूँ रुक जा। इसके साथ मत जा, ये चोर है, डाकू है और खूनी भी। क्यों? चलो बेलू, ये तो बकता ही रहेगा। हाँ रंजीत, मेरी बहन को छोड़ दे वरना। का ड्रेस पहन कर हीरे यहाँ ले आए, अब तुम्हारा तेल खर्च हो गया। रंजीत
रंजीत, ये मैं बोला हूं, ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। बोला मैं, माँ कसम जज साहब, भोला मैं हूँ रंजीत, ये है, इसकी मत सुनिए जज साहब, माँ कसम भोला मैं हूँ रंजीत, ये है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस बेलो, आप अपने भाई की कोई ऐसी बात का हवाला दीजिए जो पहले इम्तिहान से ज्यादा मुश्किल हो। हाँ, मेरा भाई बाजे वाला है, वो बाजे पर एक ऐसी धुन बजाया करता है जो उसके सिवा और कोई नहीं बजा सकता। बाजा पेश किया जाए। आप दोनों ने कौन इसे बजाना जानता है? मैं बजा के सुनाता हूं बेलू को। मेरे साथी वकील शायद ये भूल गए कि इस इम्तिहान का मौका अभी तक संक्षेप को दिया गया है। अदालत के लिए दोनों बराबर है, इसलिए दूसरे को भी बाजा बजाने का मौका दिया जाए। ऑब्जेक्शन सस्पेंड। थैंक यू मैडम। अब बजा बच्चे, अगर नहीं बजा पाया तो तेरा बाजा बच जाएगा। इन दोनों में से कौन है आपका भोला? मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। कोई और तरीका है जिससे अदालत को यकीन हो जाए? हाँ, है तो, पर न जाने वो इस वक्त कहाँ है। कौन? मेरा मोती, वो मुझसे बिछड़ गया है वकील साहब। अगर आज वो यहाँ होता तो मेरे भैया को जरूर पहचान लेता। मोतीराम जी, thank you.
अच्छा हुआ तू आ गया। क्या यही आपका मौती है? जी हाँ। योर ऑनर, मुकदमे के हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ इस केस में ये कुत्ता एक अहम गवाह साबित हो सकता है, इसलिए इसे अदालत में पेश करने की इजाजत दी जाए। अदालत इजाजत देती है। थैंक यू। मोती जा, जाके भोला को पहचान ले। आज अपने भोला की जान तेरे हाथ है मोती, जा। रंजीत कुमार, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? अब क्या कहूं जज साहब, मैं जिंदगी भर इंसानों को धोखा देता रहा और कामयाब रहा, लेकिन आज एक जानवर से हार गया। मैं ही रंजीत कुमार हूं जज साहब। मिस्टर भोला को बाइज्जत रिहा किया जाता है और मुजरिम रंजीत कुमार पर दूसरा मुकदमा चलाने की तारीख दी जाती है। रंजीत बाबू, एक बात तो बतलाइए, आपने सब कुछ कब सीखा? भोला, जब तुम्हें रंजीत बनाया जा रहा था, मैं अपने आप को भोला बना रहा था ताकि कभी कोई ऐसा मौका आए तो मैं अपने आप को भोला बनकर कानून से बचा सकूं। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हारी आदतें तो मुझे मिल गई लेकिन तुम्हारी सच्चाई न मिल सकी। नहीं नहीं रंजीत बाबू, ऐसा मत बोलिए। आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही की वजह से हूं। आप ही ने मुझे कमार से इंसान बनाया। क्या जाने से पहले हाथ नहीं मिलाओगे? बेटी, अब तुम अपनी बहन के हाथ पीले करने की सोचो ना। अपनी बेलू से कहो मेरे घर की बहू बन जाए। हाँ? बेलू, जरा अपने भोले जी के बारे में भी तो सोचो। मैं समझी नहीं।